इस चैप्टर में हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट्स की। हम किस तरीके से अपने एडोबी एलिस्ट्रेटर में ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो लाइन हो, बॉक्स हो, या फिर सर्कल हो, या कोई ऐसी चीज़ हो जो कि हम अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करना चाहते हैं। उसके लिए मुझे सबसे पहले एक फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी अपने एडोबी एलिस्ट्रेटर के इस स्क्रीन में। मैं पे क्लिक करूँगा फाइल, न्यू, ओके, और हमारे पास जो स्क्रीन है वो आ जाएगी। हमने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे एक बॉक्स बनाने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा बॉक्स पे, रेक्टेंगल टूल पे, और यहाँ पे क्लिक करूँगा और अपने माउस को ड्रैग करूँगा। अगर मुझे यहाँ पे इतना ही बॉक्स चाहिए तो मैं इसको क्लिक को छोड़ दूंगा। अगर मुझे ये छोटा बॉक्स चाहिए तो मैं इसको ड्रैग करके छोटा कर दूँ। मुझे अगर बड़ा चाहिए तो मैं इसको और ड्रैग करके बड़ा करूँ। मेरे पास यहाँ पे माउस की मदद से मैं इसको किसी भी शेप में बना सकता हूँ। मुझे एक लाइन चाहिए तो मैं इसको, इसकी विड्थ जो है वो कम करूँगा और इसको वर्टिकली बढ़ा दूँगा। अगर मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए तो मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कर दूँगा। अगर मुझे एक बॉक्स चाहिए जो कि जिसकी विड्थ एंड हाइट बिल्कुल परफेक्ट हो, तो मैं अपने कीबोर्ड से प्रेस करूंगा शिफ्ट, और अब हमारे पास ये बॉक्स जो है वो क्रिएट हो गया। अगर मैं क्लिक को छोड़ दूंगा तो हमारे पास ये बॉक्स जो है वो ड्रॉ हो जाएगा। मैं यहाँ पे सेलेक्ट टूल सेलेक्ट करूंगा और उसको यहाँ पे सेंटर में लेकर आऊंगा, और अब मैं अपने इस सिलेक्शन को ख़त्म करने के लिए स्क्रीन पे कहीं पे भी क्लिक करूंगा तो मेरी जो सिलेक्शन है वो इस बॉक्स से ख़त्म हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे इसके आउटलाइन जो है वो ब्लैक है, और जो इसका कलर है वो हमें फिलहाल नज़र नहीं आ रहा। इसका कलर जो है वो वाइट, और हमारा जो बैकग्राउंड है उसका कलर भी वाइट। इसलिए हमें हमारा जो ऑब्जेक्ट का कलर है वो नज़र नहीं आ रहा। अगर मुझे ये देखना है कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो एक कलर से फिल हो और मुझे नज़र आए, तो मुझे इसके ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा कलर। उसके लिए मुझे इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे ऊपर हमारे पास कुछ कलर्स हैं, यहाँ से मुझे कोई कलर अप्लाई करना पड़ेगा, जैसे कि ऑरेंज, येलो, ब्लू, और हमारे पास यहाँ पे ग्रीन भी मौजूद है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं कोई कस्टम कलर इसके ऊपर अप्लाई करूँ तो मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा हमारे टूल्स पैलेट। मुझे इस फिल के ऊपर डबल क्लिक करना पड़ेगा ताकि मैं ओपन कर सकूं कलर पिकर को, और अब हमारे पास यहाँ पे पूरे कलर्स की वैरायटी है। मैं इन कलर्स में से कोई भी कलर अपने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ। अगर मुझे येलो चाहिए तो मैं इन दो एरोस को नीचे लेकर जाऊँगा, और हमारे पास जो यहाँ पे सर्कल है उसको ऊपर लेकर जाऊँगा तो हमारे पास यहाँ पे येलो कलर आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे येलो कलर आ जाएगा, लेकिन हमारे पास यहाँ पे ये प्रीव्यू डिस्प्ले नहीं कर रहा। उसके लिए मुझे यहाँ पे ओके पे क्लिक करना पड़ेगा, तभी ये जो कलर है वो हमारे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होगा। मैं यहाँ पे ओके कर दूंगा। हमारे पास यहाँ पे कलर अप्लाई करने का एक और तरीका है, बिल्कुल मेरे राइट साइड। आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर्स मौजूद है। अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँ और उसको एक्सपेंड करूँ तो हमारे पास यहाँ पे कलर्स आ जाते हैं। मेरे पास यहाँ पे कलर्स की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है। मुझे यहाँ पे कोई टूल सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही मैं यहाँ पे अपना माउस लेकर जाऊँगा तो मेरे पास आई ड्रॉपर टूल आ जाएगा। अगर मुझे ग्रीन कलर चाहिए तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और वही कलर हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अगर मुझे यहाँ पे पिंक कलर चाहिए तो मैं क्लिक करूँगा तो मेरे ऑब्जेक्ट के ऊपर पिंक कलर अप्लाई हो जाएगा। मुझे अगर यहाँ पे एक और बॉक्स क्रिएट करना है तो मैं रेक्टेंगल टूल लूंगा और यहाँ पे बॉक्स क्रिएट कर दूंगा। मुझे सर्कल चाहिए तो मैं सर्कल के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे सर्कल क्रिएट करूंगा। आई नो कि ये सर्कल जो है वो बिल्कुल सही पोजीशन में नहीं है, तो अगर मुझे बिल्कुल परफेक्ट सर्कल बनाना है तो उसके लिए मुझे प्रेस करना पड़ेगा शिफ्ट, और मैं इसको ड्रैग करूंगा और मेरे पास जो ये
सर्कल है वो बिल्कुल सही पोजीशन में आ जाएगा। अगर मुझे लाइन बनानी है तो मैं लाइन सेगमेंट टूल सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर लाइन क्रिएट कर दूँ। अगर मुझे इसकी विड्थ बढ़ानी है या फिर इसकी जो हाइट है वो बढ़ानी है तो मैं यहाँ से इसको तो मैं यहाँ से स्ट्रोक को बढ़ाऊँगा। जैसे ही मैं स्ट्रोक को बढ़ाऊँगा तो आप देख सकते हैं हमारी लाइन जो है वो की विड्थ जो है वो ज़्यादा हो गई। इसी तरीके से हम काफ़ी ज़्यादा हर किस्म के ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। मैं इन तमाम ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से डिलीट का बटन प्रेस करूँगा तो हमारे पास तमाम जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिलीट हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे एक राउंडेड रेक्टेंगल बनाऊं अब देखते हैं ये ब्लैक कलर का है, मुझे इसको फिल करना है ब्लू कलर से तो मैं यहां से इसको ब्लू कलर से फिल कर दूंगा। और अब मुझे इसका जो स्ट्रोक है वो कम करना है तो मैं यहाँ से इसका जो स्ट्रोक है उसको कर दूंगा 10 PT। ओके, और अब इसका जो यूनिफॉर्म है वो अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो आप देख सकते हैं वो किस तरीके से चेंज होता है। मैंने इसका यूनिफॉर्म को कर दिया 10 PT। मेरे पास यहाँ पे और ज्यादा ऑप्शन है कि मैं इसके स्ट्रोक को चेंज कर सकूं। मैं यहां से इसको 10 PT में कर सकता हूँ और अब आप देख सकते हैं इसका जो इफेक्ट है वो कैसा। मैं यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के जो है वो ऑब्जेक्ट्स बना सकता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे ब्रश टूल सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे इसको इस तरीके से पेंट कर दूंगा। मैं अगर इसके ऊपर डबल क्लिक करूँ तो मेरे पास यहाँ पे इस ब्रश की जो ऑप्शंस हैं वो आ जाएंगी, मुझे ये ब्रश कितना बड़ा चाहिए और उसकी विड्थ कितनी है वो मुझे यहाँ पे बतानी पड़ेगी। और यहाँ से मैं इसको बढ़ा भी सकता हूँ, मैं अगर इन तीनों लाइंस को सेलेक्ट करूँ और यहाँ से स्ट्रोक बढ़ाऊँ तो इन तीनों की स्ट्रोक्स जो हैं वो बढ़ेंगी। अगर मुझे इसको कलर अप्लाई करना हो तीनों को तो मैं तीनों को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से कलर सेलेक्ट करूँगा तो ये तीनों के ऊपर कलर अप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास और भी जो टूल्स हैं उनका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि पेंसिल टूल है। मैं यहाँ पे एक थिन लाइन ड्रॉ करूँगा, आप देख सकते हैं पेंसिल की जो लाइन होती है वो बहुत थिन होती है, जो ब्रश होता है उसकी लाइन जो है वो थोड़ी मोटी होती है, पेंसिल की बारीक होती है, तो हमारे पास पेंसिल की लाइन है वो बहुत ही बारीक। मैं दोबारा इन सबको सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से रिमूव कर दूंगा। और इसके बाद हम बात करेंगे पेन टूल की, क्योंकि पेन टूल बहुत ही पावरफुल टूल है एडोबी एलिस्ट्रेटर में, जिसकी मदद से हम शेप्स क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, जिसकी मदद से हम अपनी कस्टम शेप्स क्रिएट कर सकते हैं जो कि हमारे पास एलिस्ट्रेटर में मौजूद नहीं है।